हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट वाल हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे फैक्ट वाल हिंदी में। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए फैक्ट वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों मेरा इससे पिछला वाला वीडियो था कि वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रीज एंड स्मॉल ट्रीज, आशा करता है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों बस हमें लाइक शेयर कॉमेंट से ज़रूर बताएँ, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल को दबाना ना भूले, ताकि हमारे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का पूरा भरपूर आनंद ले सकें। तो दोस्तों चलिए, आज का वीडियो जो है हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट मैन ए स्मॉल मैन, जी हाँ दुनिया का सबसे छोटा और बड़ा इंसान के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इंसान जो है वो है सुल्तान कौसैन। ऐसे एक किसान परिवार से हैं तो खुद भी एक किसान हैं। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो दोस्तों ये 25 सेमी है, करीब 8 फुट 3 इंच के करीब। जी हाँ 8 फुट 2.82 इंच के करीब है। कहा जाता है दोस्तों वर्ल्ड के सबसे जीवित इंसान है जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है, इसीलिए जो है दोस्तों इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि दुनिया के सबसे पहले इंसान है जो जीवित है इतने लंबे होने के बावजूद भी। इन्हीं के हिसाब से दोस्तों इससे पहले भी और भी लंबे इंसान हैं जो उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नहीं है। कहा जाता है कि दोस्तों कौसैन से पहले और भी 6 इंसान थे जो इतने ही करीब लंबे थे या इससे भी ज़्यादा थे। तो उसके हिसाब से जो है दोस्तों सुल्तान कौसैन 7 नंबर पे आते हैं। दोस्तों सुल्तान कौसैन की अगर लंबे होने की जो क्षमता की बात करें तो इनको जो है दोस्तों एक्रोमोगैली नामक एक ट्यूमर है, जिनको इसकी वजह से उनके लंबे होने की क्षमता जो है बढ़ती जा रही है, और इसी की वजह से जो दोस्तों उनको स्टिक लेकर चलना पड़ता है। अगर इसी के साथ दोस्तों हम छोटे इंसान की बात करें तो दुनिया के सबसे छोटे इंसान हैं चंद्र बहादुर डांगी। जी हाँ इनका जन्म जो है दोस्तों 30 नवंबर को 1939 में हुआ था। ये नेपाल के एक डांगे जिला के छोटे से गांव में पैदा हुए थे। अगर इनकी हाइट की बात करें तो दोस्तों इनका हाइट है 1 फीट 9.5 इंच। जी हाँ 1 फीट 9.5 इंच की हाइट है। कहा जाता है दोस्तों इनसे पहले भी एक इनसे आधा इंच ज़्यादा बड़े इंसान थे। जी हाँ गुल मोहम्मद नाम था उनका, जिनका जन्म हुआ था 1957 में और 1997 में इनका एक्सपायर हो गया। इनकी जो लंबाई थी दोस्तों 1 फीट 10 इंच, जी हाँ चंद्र बहादुर डांगी से लगभग आधा इंच ज़्यादा। इसी के कारण जो है इनका रिकॉर्ड को ब्रेक करके चंद्र बहादुर डांगी ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करा लिया। कहा जाता है दोस्तों डांगी को सबसे पहले जो है दोस्तों वहाँ के एक बाहर से आए हुए फर्नीचर वर्कर्स ने नोटिस किया था। जी हाँ तो 2012 साल में जो है दोस्तों डांगी को फुल मेजरमेंट से मेजरमेंट लिया गया था। उसी के बाद जो है दोस्तों डांगी को सबसे छोटे सीनियर सिटीज़न होने का खिताब भी मिला था। कहा जाता है दोस्तों डांगी के 2 भाई और 2 सिस्टर भी थे, जिनका लंबाई की अगर बात करें तो उनकी लंबाई थी लगभग 1.22 मीटर, जी 4 फुट के करीब। कहा जाता है तब डांगी की लंबाई थी लगभग 1 फीट 9.5 इंच। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा छोटा सा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो दोस्तों हमें कमेंट लाइक शेयर से ज़रूर बताएं अगर आपको कैसा लगा है, और हम लोग आगे ऐसे और भी वीडियो आते रहेगा तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हम लोग को करते रहिए। हम लोग और भी नए नए फैक्ट नए नए कॉन्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।